लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ए लाइन कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। पहले मैंने आप लोगों के साथ ए लाइन फ्रॉक कटिंग शेयर की थी, तो ये कुर्ती है। इसमें कुर्ती में थोड़ा सा एक दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी इसका घेर है मैंने वो सारा ले लिया है, फोल्ड करके मैंने रखा है। उसकी मेजरमेंट जो है आम कमीज़ की तरह होगी। शोल्डर की मेजरमेंट मैंने 7.5 इंचेस ली है। नीचे से मैंने इसको 8.5 इंचेस पे निशान लगा लिया है और इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली है। अब चेस्ट की मेजरमेंट करके निशान लगा लेना है। 10.5 इंचेस पे मैंने निशान लगाया है। यहाँ से मैं 15 इंचेस पे फिटिंग की मार्किंग करूँगी और 21 इंचेस पे हिप की मार्किंग करूंगी। घेरा मैं आम घेरे से ज़्यादा लूंगी, आप 4-5 इंची ज़्यादा ले सकते हैं। फ्रॉक में जो घेरा है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुर्ती में हमने बस सिर्फ ए लाइन शेप देनी है और इसके चौक रखेंगे। यहाँ से भी इसी तरह 1 इंच पे मार्क करके इसको कर्विंग शेप देनी है और ऊपर से 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। एक बात का ख्याल रखना है कि जब हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं तो हम फिटिंग से घेरे तक मार्किंग करके इसकी कटिंग करते हैं, जबकि कुर्ती में हमें हिप लाइन से घेरे तक मार्किंग करके इसकी कटिंग करनी है। इससे कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और हिप लाइन से लूजिंग नहीं होगी। जितनी आपकी फिटिंग और जितनी आपकी हिप की मेजरमेंट है उसके मुताबिक निशान लगा के आप इन निशानात को मिला लें। अब यहाँ से हिप लाइन से नीचे हमने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। अगर हम इसको ऊपर से फिटिंग वाली लाइन से लाइन ड्रॉ करके नीचे लेके जाएंगे तो ये देखिए हिप वाली जगह से लूज हो जाएगा और कुर्ती की फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। अब एक और निशान लगा के हम इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत इजी है, आप इसी तरीके से इसकी कटिंग करें तो आपकी कुर्ती बहुत फिट और अच्छी कटेगी और सिलाई होगी। अब आगे से इसको निशान लगा के हमने थोड़ा सा इसकी गहराई की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल कटिंग है इसकी, आम कुर्ते की तरह, आम शर्ट की तरह, जो जैसे हम सीधी शर्ट सीते हैं कटिंग करते हैं वैसे इसकी कटिंग होगी। थोड़ा सा बस इसको नीचे से ध्यान रखना है। अब बाजू की कटिंग करूंगी। बाजू कटिंग का ट्यूटोरियल मैंने पहले भी अपने वीडियो में अपने चैनल में दिया हुआ है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़ा, ये दोनों बाजू हैं। एक बार और फोल्डिंग करनी है। 3 इंच यहाँ से खुली वाली साइड से निशान लगाना है, 3 इंच इधर बंद वाली साइड से, और इन निशानात को मिला लेना है। ये इसकी मेन कटिंग है। फिर नीचे से बाजू की जैसे भी शेप आप बनाएं वो आपकी मर्जी है। अब दरमियान से हमने थोड़ा सा यहाँ ऊपर वाले दो पैनल्स को उठा के थोड़ी सी गहराई की कटिंग कर लेनी है और बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। नीचे से मैं इसको खुला ही रखूंगी, क्योंकि ए लाइन शर्ट है इसलिए बाजू भी इसका खुला रखूंगी। थोड़ी सी बस शेप दूंगी। यहाँ से मैं चेक कर लूंगी, अगर ये थोड़ा सा कम होगा तो मैं इसमें कपड़ा डाल लूंगी। अभी तो मुझे ये पूरा लग रहा है, 10.5 इंचेस का ये पूरा है। अगर कम हो तो इसमें कपड़ा भी डाल सकता है। तो देखिए हमारी शर्ट की कटिंग तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।